हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के अंदर हम आज जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यानी इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें इन जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। प्रॉपर्टीज आप क्लास 6 और 7 में पहले से आप पढ़ चुके हो। आज हम उनकी जो मदद से या उनकी हेल्प से हम जो क्वेश्चन है जो दो क्वेश्चन दिए गए इन दोनों क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है फर्स्ट, इसमें दे रखा -2/3 (3)/5 +5/2 -3/5 (1/6), यानी आपको ये देखना है कि इनमें कॉमन नंबर लेने के लिए हमें कौन से नंबर का पेयर बनाना है। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है, यानी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 2/3 (3)/5। ये दो नंबर दे रखा 5/2 प्लस में दिया हुआ है, और ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में है जो कि इसके साथ माइनस में है, यानी ये वाला जो नंबर है वो अलग है। तो हमें इस नंबर को साइड में लेना है और इन दोनों नंबर को हम पास पास में राइट करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये वाला जो नंबर है माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 यहाँ राइट करेंगे, और ये वाला जो प्लस का नंबर है 5/2 लास्ट में राइट करेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? बाई कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे इसमें। इसके अंदर दोनों नंबर्स दे रखा है, ये नंबर है और एक ये वाला नंबर है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में और ये भी दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। दोनों में से जो कॉमन नंबर है वो हमें दिखाई दे रहा है 3/5 3/5, दोनों में से ये कॉमन लेंगे। ये माइनस का नंबर है, यानी इन दोनों में से एक माइनस का है और इन दोनों में से एक नंबर माइनस का दे रखा है, तो हम इसमें से माइनस के साथ कॉमन ले लेंगे 3/5। तो अंदर बचेगा यहाँ पे माइनस, हमने कॉमन ले लिया इसका, तो यहाँ पे बचेगा 2/3। माइनस का हमने कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा प्लस का, या अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन ही लेते हो तो ये माइनस का नंबर आप वहां पे बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर बिना माइनस के करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3, और ये कॉमन हमने ले लिया यहाँ पे तो इसका बच जाएगा माइनस का 1/6। इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर है वो है 5/2। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 का डिवाइड देंगे इसमें 2 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 2 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × 6, 1 टाइम द्वारा 1 को 1 से करेंगे तो आएगा 1। टू को टू से करने पर 2 × 2 = 4, माइनस का 4 और माइनस ये दे रखा है, 1 को 1 से करने पर आएगा 1/6 +5/2। अब यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस का 1 मिला के हो जाएगा माइनस का 5, और मैं जो ब्रेकेट है वो बाहर हटा देता हूँ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ लगा देते हैं। माइनस का 4 और माइनस का 1 मिला के माइनस का 5/6 +5/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15, माइनस का 15 और 5 × 6 = 30, दोनों आपस में कट रहे हैं इनको काट देंगे, और ये दे रखा है 5/2, दोनों को कट करने पर जाएगा 15 × 15 15 × 2 = 30, यानी 1/2 +5/2, दोनों में जो कॉमन है वो है 2 और -1 + 5 हो जाएगा 4/2, 2 का 2 में देने पर आएगा 2, यानी इसका जो आंसर वो कितना दे रखा हमें 2 दे रखा है। माइनस का 1 और प्लस का 5 दोनों को सोल्व करने पर आएगा 4, यानी अगर एक प्लस का और एक माइनस का नंबर दिया हुआ है तो दोनों का हमेशा डिफरेंस ही निकाला जाएगा और चिन्ह उसी का आएगा, यानी जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यानी प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो बड़े नंबर पर डिपेंड करता है। बड़ा नंबर अगर प्लस में दे रखा है तो आंसर भी प्लस में आएगा, और अगर बड़ा नंबर माइनस में तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो ये तो था फर्स्ट। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं, इसमें भी सेम ऐसे दे रखा है, जैसे 2/5 दे रखा है मल्टीप्लाई 3/7 -3/7 दे रखा है। दूसरा नंबर यहाँ पे 1/6 (3)/2, और नेक्स्ट है +1/14 (3)/2/5, ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में,
यानी तीन जो नंबर है पेयर देर के वो मल्टीप्लाई में देर के, लेकिन इनमें जो कॉमन नंबर है जैसे ये दोनों नंबर, इन दोनों में कॉमन कोई भी नंबर नहीं है, ना तो 2.5 है ना 3.5। कॉमन नंबर में इस नंबर को में मिलेगा, जैसे 2.5 है तो 2.5 इसमें इस नंबर को इसके पास लाएंगे और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। लिखते अपन 2.5 मल्टीप्लाई 3.7, ये नंबर है प्लस में, तो लेके आएंगे यहाँ पे प्लस का 1/40 मल्टीप्लाई 2/5, ये नंबर माइनस में दे रखा है 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। इस नंबर को हम सोल्व करेंगे, इन दोनों में से कॉमन है 2/5, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -3/7 प्लस में 1/14, और इस नंबर को हम सोल्व कर लेंगे, माइनस का दे रखा है 1 को 3 से करेंगे तो 3 बन जा 3 और 6 2 जा 12, इसको काट के हम छोटा कर लेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में हम ट्राइड करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या, सॉरी हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है इन दोनों में, इसमें भी वही कमिटिविटी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन दोनों का, सॉरी इन दोनों का एलसीएम लेना है, 14 आएगा, 7 का डिवाइड देना 14 में 2 टाइम जा रहा है, तो 2 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 से करना है 2 को मल्टीप्लाई, प्लस 14 का 14 में 1 टाइम, 1 को 1 से करने पर आएगा 1। नेक्स्ट इसको कट करके लिखेंगे अपन, 3 1 3 3 4 12, यानी 1/4 राइट करेंगे इसकी जगह। अब इसको सोल्व करते हैं, 2/5 3 2 6, माइनस का 6 प्लस 1 1 1 अपॉन में 14 माइनस 1/4 माइनस 6 और प्लस 4, मैंने कहा था एक नंबर अगर प्लस में और एक नंबर अगर माइनस में तो दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा, दोनों का डिफरेंस है 5, दोनों का डिफरेंस है 5 और वो किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किस में दे रखा है माइनस में, तो 5/14 और नेक्स्ट है -1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस में दे रखा है, और 5 को 14 से करेंगे 70 -1/4, इन दोनों को कट करेंगे तो 1/7 रहेगा, -1/7 -1/4, दोनों का एलसीएम लेना है तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 28, दोनों का एलसीएम लिया 7 और 4 का तो 28 आ गया। अब 28 एलसीएम तो 7 का डिवाइड देना है, 28 में जा रहा है 4 टाइम, 4 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4, माइनस लिया माइनस 4 का डिवाइड देना है 28 में जाएगा 7 टाइम, 7 को माइनस 1 से करना है तो आएगा 7, अब माइनस का 4 और माइनस का 7 मिला के हो जाएगा माइनस का 11/28, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इनको सोल्व करना है।